हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आपके रिश्ते के लिए अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे। आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, अपने रिश्ते के टुवर्ड्स कैसे रहेगी, एंड आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर, आपके साथ जो भी इनका रिश्ता है उसको लेकर कैसे रहने वाली है अगले 24 घंटे के अंदर। तो इस शफल डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स। स्टार्टिंग के टू कार्ड्स मैं लूंगी आपकी तरफ एंड टू कार्ड्स लेंगे आपके पर्सन की तरफ जो मेरे लेफ्ट साइड में होंगे। आपकी तरफ जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट इज टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइव टू जा टेन, ऐसी एनर्जी है। आज के दिन में कुछ लोग बहुत ज्यादा, अगर पार्टनर से पैसा आपको मिलता था, पार्टनर के साथ आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस अच्छी थी, स्टेबिलिटी अच्छी थी, आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं पैसे को लेकर, बहुत ज्यादा तंगी को फेस करना, दिक्कतें झेलना। पार्टनर के जिस दिन वो आपको छोड़कर गए होंगे, जिस दिन आप लोग एक दूसरे से सेपरेट हुए होंगे, पॉसिबल है कि वही टाइम आपको बार बार याद आए, बार बार हिट करे आपको। मतलब टोटली आप ऐसी एनर्जी में आ जाएं कि अपने पार्टनर को मिस करें, रोएं, तड़पें, जैसे आप बहुत परेशान हैं, आपकी जिंदगी से सब कलर्स ही चले गए हैं, ये एनर्जी दिखती है। आप इस रिश्ते को लेकर भी होपलेस हो सकते हैं। फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करना, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान दे सकते हैं। आप अगर अपने ही स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो अपने इन-लॉज या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपना दिल बहलाने के लिए, लगाने के लिए। इवन आप इनके साथ अगर रिलेशनशिप में हैं तो भी अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं आज के दिन में। मतलब आप उस कमी को अपने फैमिली मेंबर्स में पूरी करने की कोशिश करेंगे। पार्टनर के साथ जो भी आपका सेपरेशन चल रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं आज के दिन में। बहुत ही ज्यादा लॉस्ट, लो फील करने की एनर्जी है आपकी इस रिश्ते में अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है। पार्टनर की तरफ से नाराज होना या अपनी चीजों पर, अपनी ही कुछ गलतियों पर रोशनी डालना कि उसने तो किया ही किया, लेकिन अगर मैंने ये नहीं किया होता तो ये भी नहीं होता, मैंने भी तो ये किया था ना, तो इस तरीके की कुछ चीजें आपको बैडली इफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पर्सन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ कप्स। आपके पर्सन आज के दिन में बहुत ज्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में रहेंगे। अपनी करना, अपनी सोचना, अपनी चीजों को आगे बढ़ाना, बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी इसमें डील करने वाले हैं। नेक्स्ट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। आज के दिन में कुछ लोगों के पार्टनर कोई ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं आपकी तरफ जो आपकी और इनकी इच्छाओं को पूरी करें, जैसे कि इनका आपसे बात कर लेना, इनका आपको फाइनेंशियली हेल्प करना, इनका आपकी लाइफ में रिटर्न आना, कोई बीच का रास्ता निकालना। लेकिन एक चीज जो क्लियर है कि अपना सोचकर ही ये आप तक आएंगे, ठीक है, अपना सोचेंगे तो आप तक आपके पर्सन आएंगे। और क्या एनर्जी है इनकी, किंग ऑफ कप्स। आपको आज के दिन में इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा प्यार, फीलिंग्स, रेस्पेक्ट क्रिएट होने की एनर्जी है आपसे, ये इसीलिए बात करने का डिसीजन लें और आपको लाइफ में, आपके लाइफ में फिर से आ जाएं, एंट्री ले लें। बहुत ज्यादा हायर इमोशंस के साथ ये आपको डील कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो इसी चीज का आंसर है कि आप इनको मिस करें, काफी समय से आपकी बातचीत ना हो, तो यूनिवर्स समवेयर विल आंसर योर प्रेयर्स कि आपके पार्टनर को ही भेजते रहें आपके लाइफ में। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे को कन्फ्रंट करें, मिलें जुलें, बातचीत हो आपकी, कुछ चीजें जो आपके साथ ठीक हो सकती हैं आज के दिन में इनके द्वारा। आपकी तरफ और एक कार्ड लेते हैं। कार्ड आया टू ऑफ कप्स का। यस, आप मजबूर हैं, परेशान हैं, आपके पर्सन आपके साथ रीयूनाइट हो सकते हैं आज के दिन में, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी रीयूनियन में हैं, काफी समय से मिले नहीं है, फिर से एक दूसरे को लेकर एंजाइटी क्रिएट हो रही है, टेंशन है कि रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है, तो भी आपके रिश्ते में किसी तरीके की ब्लेसिंग आपको मिल सकती है। मतलब 5-10 घंटे आपके आज के दिन में थोड़े से ऐसे हो जाएं कि आप अकेलापन फील करें, बट उसके बाद जैसे सब कुछ पॉजिटिवली, पॉजिटिविटी के साथ चेंज हो जाए, बदल जाए, ठीक है। तो कुछ लकी वंस का तो आज के दिन में रीयूनियन हो सकता है, कुछ खुद ही से अपने पार्टनर से कॉल मैसेज करके बात कर सकते हैं। इवन कुछ लोगों के पार्टनर आपको रीच आउट करें रिकंसिलेशन के लिए, ठीक है।
सो गाइज, ये थी आपके रिश्ते की कमिंग 24 आवर्स की एनर्जी। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।